पन्नगे चे सुरेंद्रे चे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में आठवें शतक में कहा गया है, साया वेयणिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा पाणानुकंपयाए भूयानुकंपयाए जीवानुकंपयाए सत्तानुकंपयाए बहूणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं अदुःखनयाए असोयनयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपित्तणयाए अपर्यावनयाए साया वेयणिज कम्मा शरीर प्रयोग नामाए कम्मस्य उदएणम साया वेयणिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधे असाया वेयणिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधेणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा पर दुःखनयाए पर सोयनयाए पर जूरणयाए पर तिप्पणयाए पर पिट्टणयाए पर पर्यावनयाए बहूणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं दुःखनयाए सोयनयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्टणयाए पर्यावनयाए असाया व्ययनिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधे। भगवती सूत्र में यूं कर्मों का बंध किन कारणों से होता है, इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। ज्ञानावरणीय कर्म के संदर्भ में मैंने कल कुछ बताने का प्रयास किया था। दर्शनावरणीय कर्म है वो ज्ञान और दर्शन इतना सा अंतर है, बाकी सारा का सारा बंधन का हेतु की बात वो ज्ञानावरणीय के लिए एकदम डिटो कॉपी की तरह एक एज इट इज उसी की तरह है, इसलिए मैंने उसका आगे दोबारा रिपीटिशन नहीं करना चाहा है। अब तीसरा कर्म वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के बारे में प्रश्न पूछा गया। पहले साता वेदनीय के बारे में जिज्ञासा प्रश्न किया गया कि सातवेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है, तो बताया गया कि गौतम यह सातावेदनीय या सातवेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध है, इसमें मूल अनुकंपा तत्व है। अनुकंपा प्राणों की अनुकंपा, भूतों की अनुकंपा, जीवों की अनुकंपा, सत्वों की अनुकंपा, अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखित न करना, उन्हें दीन न बनाना, शरीर का अपचय करने वाला शोक पैदा न करना, अश्रुपात कराने वाला शोक पैदा न करना, लाठी आदि का प्रहार न करना, शारीरिक परिताप न देना, सातावेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। अब इसी प्रकार असातावेदनीय कर्म के संदर्भ में उल्टी बात हो गई कि प्राणों की अनुकंपा न करना, न करना दुख देना, और अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखित करना, सारी सातावेदनीय से उल्टी बातें असातावेदनीय के लिए हो जाती है। तो इसका सारांश एक यह प्रतीत होता है कि प्राणी दुख पाता है और सुख भी पाता है। जो आदमी हम आदमी को लें कि एकदम सातावेदनीय बहुत शरीर भी निरोग है और भी शब्द रूप गंध रस स्पर्श मनोज्ञ है, अनुकूलताएं हैं, शरीर बड़ा साउंड मजबूत है, झटपट वो थकता नहीं, चलना है 15 किलोमीटर चलना पड़े एक दिन नहीं बराबर 15, 12, 13, 16, 17 चलते रहो, चलो
कोई विशेष कोई शरीर पर थकान की बात नहीं। परिश्रम करा लो, 4 घंटा 6 घंटा रोज 17 घंटा 16 घंटे काम करना पड़े, काम कर लेते हैं, कोई विशेष थकान है ही नहीं। तो बीमारी नाम की कोई खास बात है ही नहीं, बस के बुखार भी विशेष कोई नहीं आती है, न माथा दुखना का कोई विशेष काम, बड़ी बीमारी तो है ही नहीं। ऐसा जिस आदमी का शरीर हो, नजर तो न लगे किसी को, ऐसा किसी का शरीर हो तो अच्छी बात, मतलब नजर न लगे, ऐसा शरीर है। अब प्रश्न है कि इतना शरीर अच्छा क्यों है उसका, इतनी अनुकूलता किस कारण से है? तो मानना चाहिए इतनी शरीर की मजबूती, इतना बलवान है, बहुत भार उठाना वो तो बहुत ज़्यादा भार उठा सकता है, इतना मजबूत शरीर है और अनुकूलताएं शब्द रूप गंध रस स्पर्श मनोज्ञ, यह सारी भौतिक अनुकूलता है, इसके पीछे कारण है 7 वेदनीय कर्म का, उसके उदय है, योग है, तब अनुकूलताएं हैं। अब यह अनुकूलता जो हो रही है तो उसने कौन सा कोई पीछे पुण्य किया होगा जिस कारण से यह शारीरिक आदि अनुकूलता मिल रही है? तो वो कारण है अनुकंपा का भाव, दया का भाव, कि जो दयावान है, अनुकंपाशील है, प्राणियों के प्रति दया। 4 शब्द यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं जो हिंदी भाषा में प्राण भूत जीव सत्व, इनका क्या मतलब है? यों तो 4 शब्द एकार्थक भी माने जा सकते हैं, प्राण कह दो, भूत कह दो, जीव कह दो, सत्व कह दो, और यों चारों ही जीव हैं, चारों में डिफरेंस अंतर भी किया गया है कि सारे संसारी जीवों को 4 में बांट दिया गया। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें यह 4 शब्दों को बांटा गया है, यानी प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, प्राणा द्वित्री चतुः प्रोक्ता भूतास्तु तरवह स्मृतः जीवः पंचेन्द्रियः ज्ञेयः शेषः सत्वा उदीरितः। कि प्राण क्या है, द्वित्री चतु, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय में लट आदि, त्रिंद्रिय में कीड़ा मकोड़ा आदि, चतुरिंद्रिय में मक्खी मच्छर आदि, ये द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जिनको हम तात्विक भाषा में विकलेंद्रिय जीव भी कहा करते हैं, ये तीनों द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय प्रकार के जीव हैं, इनकी संज्ञा है प्राण, इनको प्राण कहा गया है। अब भूत, सारा का सारा वनस्पति का ये जगत है उसका नाम है भूत, और पंचेंद्रिय प्राणी जितने भी हैं, नरक के सारे नारकीय जीव, सारे के सारे देव, सारे के सारे मनुष्य संगी असंगी, सारे के सारे त्रियंत पंचेंद्रिय जो हैं, ये जो सारे हैं इनकी संज्ञा है जीव, जीव में ये सारे आते हैं। अब शेषहा सत्वा उदीरिता, अब शेष क्या बचे, 4 बचे हैं, पृथ्वीकाय अपकाय तेजसकाय वायुकाय, इन 4 की संज्ञा है सत्व। तो प्राण भूत जीव सत्व, संसारी जीव सारे के सारे इन 4 में समाविष्ट हो जाते हैं। तो यानी सारे संसारी जो जीव हैं उनके प्रति अनुकंपा रखना, दया की भावना रखना, और किसी को भी अपनी ओर से दुखित न बनाना, यह ध्यान भी, मैं किसी को दुखित न बनाऊं, लाठी आदि से प्रहार नहीं करना, परितापित शोक पैदा नहीं करना, किसी को रुलाना नहीं, आंसू नहीं नकवाना, किसी को कुछ कह करके डांट के फटकार के आंसू नहीं नकवाना, रुलाना नहीं किसी को। तो इस प्रकार ये पीड़ा देने वाले कार्यों से बचने का लक्ष्य हो। तो मैंने एक दिन कहा था कि वो कोई सांप जैसे जीव, उनको भी जहाँ तक हो सके मारना नहीं चाहिए,
जीवन की सुरक्षा का उपाय तो मान लो आदमी कर सकता है, पर जहां तक हो सके मारने के उपाय को काम में लेने से बचना चाहिए। तो ये जो आगम्य है ना, ये लाठी आदि से प्रहार करना, ये सारे फिर आखिर तो परिणाम जैसे हैं भीतर के असात वेदनीय के ये बंद का कारण बन सकता है। तो सात वेदनीय के लिए मूल तत्व है अनुकंपा की चेतना, करुणा दया की भावना। तो दया अनुकंपा जितनी प्रकृष्ट अच्छी होती है कि भी किसी भी प्राणी को तकलीफ न पड़े, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा अनुकंपा, दुखित किसी को नहीं करना, हो सके किसी को चित्त समाधि पहुंचाने का आध्यात्मिक प्रयास करें, आध्यात्मिक चित्त समाधि। तो सात वेदनीय कर्म बंध का कारण है वो अनुकंपा की चेतना है। और यह भी दिया कि साता वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय भी। अब इसके विपरीत हम देखें मनुष्यों में भी, हम मनुष्यों को ज़्यादा हम निकटता से मान लो जान सकते हैं। अब मनुष्यों में कईयों के बीमारी हो जाती है, जवानी में बीमार रहते हैं, अभी तो 35-40 भी नहीं आए पूरे, अभी बीमारियां रहने लग गई बीमारी। और किसी के वो शुगर की तकलीफ, किसी की बीपी की समस्या, फिर किसी के हार्ट की समस्या हो जाती है, किसी के लिवर की, कईयों के किडनी की समस्या, किडनी की बदलाने की बात हो जा स्थिति बन जाती है, और भी अनेक बीमारियां हो सकती है। आजकल आजकल क्या, पहले जो भी कैंसर की भी बात, यदा कदा कैंसर आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज, ये बीमारी हो जाती है। और कई शरीर से बड़े दुर्बल हैं कि ज़्यादा चलना पड़े तो 10 किलोमीटर भी चलना पैदल सा वो तो मुश्किल है, 5 किलोमीटर नहीं सा, कार चाहिए, टेम्पो चाहिए, टैक्सी चाहिए, पैदल तो नहीं जा सकते, चलने की मानो क्षमता भी इतनी नहीं है। तो कैसा परिस काम करो, अब काम करना है, समारोह है और काम करो सा, काम तो ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बैठे बैठा भले कोई काम हो तो जाके भाग दौड़ तो मैं नहीं कर सकता, यानी शरीर में इतनी ताकत नहीं, शरीर में बीमारियाँ भी है। इसका मतलब है उसके असात वेदनीय का उदय है, उसके अभी असात वेदनीय का उदय भी चालू है, तब यह शरीर की इतनी दुर्बलता की स्थिति है कि जवानी में भी आदमी, अब हाथ की बात नहीं, कर्मों का योग है, जवानी में भी आदमी व्याधिग्रस्त हो जाए। कईयों के कितना जल्दी हाथ का ऑपरेशन, ओपन सरिद्धि जैसी बात हो सकती है, स्टेंट बिठाने की बात, जवानी 40-45 में ये स्थितियां भी किसी के आ जाए और भी पहले कोई आ जाए। तो यह अब मतलब पुराने हमारे कर्म का उदय होता है। तो असात वेदनीय का रोल होता है, उसका प्रभाव बढ़ता है, तो शरीर में बीमारियां, शरीर दुर्बल होना, ये स्थितियां बन जाती हैं। और भी बाह्य शब्द रूप गंध रस अमनोज्ञ अमनोज्ञ चीज़ें मिलती रहती है। तो ये असात वेदनीय कर्म का उदय होने से आदमी दुख पाता है शरीर आदि संबंधी। अब प्रश्न है कि यह दुख क्यों मिल रहा है, कभी कोई पूर्वकृत असात वेदनीय कर्म तुमने बांधा है उसका यह फल है। तो कौन से मैंने पाप किए होंगे कि मेरे असात वेदनीय कर्म बंधा, अब मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो यहां वो भगवती सूत्र में बताया गया यह असात वेदनीय क्यों बंधता है कि प्राणों की अनुकंपा न करना, भूतों की अनुकंपा न करना, जीवों की अनुकंपा न करना, सत्वों की अनुकंपा न करना, और अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखित करना, प्राणियों को दुखित करना, उन्हें दीन बनाना, शरीर का अपचय करने वाला शोक पैदा करना, रुलाना, अश्रुपात कराने वाला शोक पैदा करना, लाठी आदि का प्रहार करना, शारीरिक परिताप देना, ये चीज, और असात वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। तो ये जो कार्य हैं इनसे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो किसी को दुख देना है, किसी भी रूप में दुख दो,
शारीरिक दुख दे दो, मानसिक प्रताड़ना कर दो, किसी को टॉर्चर करो जानबूझ करके, तकलीफ पैदा करो, किसी के मन में बेचारा रोने लग जाए, तो यूं कोई आदमी करता है, ठीक है, आज किसी के पास अधिकार है, सत्ता है, प्रभुत्व है, बड़ा है, वो थोड़ा डांट भी सकता है, कह भी सकता है, किसी को चाहे वैसे बर्खास्त भी कर दे, कष्ट में डाल दे, तो आज तुम्हारे पास अधिकार है, पर हमेशा थोड़ा ही अधिकार तुम्हारे पास, क्या पता हमेशा तुम अधिकार में रहोगे, इसी जन्म में तुम अधिकार से च्युत हो सकते हो, नीचे आ सकते हो, आज तुम मंत्री हो सरकार में, 5 साल बाद क्या होगा क्या पता है, आज मंत्री हो 5 साल बाद क्या स्थिति रहेगी तुम्हारी, तो अधिकार है तुम्हारे पास, प्रभुत्व है, तुम बोस हो, मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो, समाज का या सरकार में मुखिया है, तो भाई मुखिया हो तो तुम्हारा काम दुख जानबूझ के इरादतन रूप में दुख देना तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम व्यवस्था करना हो सकता है, ठीक है, व्यवस्था करते करते कोई कड़ाई भी करनी पड़े वो एक बात अलग हो सकती है, बाकी अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी से बदला लेने के लिए प्रतिशोध के रूप में द्वेष में आकर के किसी को दुखी बनाना कि पहले इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब सत्ता मेरे पास आ गई है, अब मैं बदला लूंगा, उनको कष्ट में डालूंगा, द्वेष है मन में, द्वेष से किसी को दुखी बनाना है तो असात वेदनीय कर्म का बंद संभावित है, बाद में जब उदय होता है तब आदमी को कष्ट पाना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने तो कोई किसी को दुख दिया नहीं, हमारे बीमारियां लग गई, परिवार में बीमारियां हो गई है, परिवार में आर्थिक समस्याएं आ गई है, हमने कोई किसी को दुख नहीं दिया इस जीवन में, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भाई हमारे साथ क्यों हो रहा है, मान लो आपने इस जीवन में कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया होगा जैसा आप बोल रहे हो, नहीं भी किया हो तो पीछे आपने क्या क्या किया होगा उसका आपको क्या पता है, पीछे क्या क्या काम पिछले जन्मों में क्या क्या किए होंगे, तो पीछे किए हैं उनका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना, आदमी ने पत्थर ऊंचा फेंका है जो अब मैं नहीं फेंकूंगा, अब नहीं फेंकोगे जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ना, वो तो नीचे गिरेगा, तो जो कर्म किस जन्म में किए होंगे उसका फल भोगना पड़ता है, पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें भगवती सूत्र के ये जो दो एफोरिज्म हैं सूत्र हैं इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें विचार भी यथासंभव करना चाहिए कि आगम में जो ये सातवेदनीय असातवेदनीय कर्म बंध के कारण जो बताए गए हैं उनमें मुख्य सारांश एक ही है, अनुकंपाशील चेतना रखने से सातवेदनीय का बंध, निरनुकंप निष्ठुरता रखने से असातवेदनीय का बंध, तो ये सारांश इतना सा हम प्रतीत कर सकते हैं, प्रतीत हो रहा है कि अनुकंपाशीलता सातवेदनीय कर्म बंध का कारण है और निरनुकंपशीलता, निरनुकंपाशीलता है, निष्ठुरता है, वो असातवेदनीय कर्म बंध का कारण है, तो क्योंकि अनुकंपा वाला आदमी होगा वो सोचेगा रे ना ना मैं क्यों तकलीफ दूं, ना ना मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, यह भाव उसके मन में रह सकता है, निरनुकंप है उसे कोई परवाह नहीं, मारना थप्पड़ मारना वो करना गिराना किसी जीव जंतु को मार देना फट काम कर देता है वो, उसमें अनुकंपा नहीं है, दया नहीं है, तो निर्दयता जो है निष्ठुरता है, ऐसे कार्य हैं दुखित करना परितापित करना लाठी आदि का प्रहार करना किसी को रुलाना, तो ऐसे काम करने से असात वेदनीय का बंद हो सकता है। अब कभी कभी छोटी सी बात है कि कभी थोड़ा विनोद कह दो कुछ भी कह दो, मान लो छोटा सा बच्चा है, अब विनोद में थोड़ा सा उसके यूं चूंटिया सा भरा वो रोने लग गया, तो बच्चे को यूं रुला दे मतलब कोई मतलब नहीं फिर भी यूं रुला दिया तो यह भी एक तरह का बच्चे को कष्ट देना हो गया, छोटा बच्चा है अब कोई मतलब नहीं फिर ऐसे ही विनोद विनोद में उसके थोड़ा सा चूंटिया सा भरा वो रोने लग जाता है,
तो वो उसको रुलाना भी बिना मतलब बच्चे को रुलाया है तो कहीं हमारे असात वेदने का बंद तो नहीं हो जाएगा ना, किसी को कष्ट हमारे द्वारा क्यों पड़े। तो अपनी ओर से ये आदमी ध्यान रखे फालतू को किसी भी प्राणी को किसी भी जीव को कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कहीं पाप कर्म का बंद नहीं, अपितु हो सके तो किसी को आध्यात्मिक शांति मिले ऐसा प्रयास। कोई दुखी है, दीन है, गरीब है, वो नहीं तो उसको आध्यात्मिक कोई संदेश तो दें ताकि उसका मनोबल बढ़े, उसके मन में शांति बढ़े। तो दुखी को निर्दुख बनाने का, उसको शांति पहुंचाने का प्रयास करें, किसी को दुखी बनाने का प्रयास न करें। तो यह अनुकंपा की चेतना साता वेदनीय बंध का कारण, निरनुकंपाशीलता निष्ठुरता ये दुखी बनाने के कार्य हैं, उनसे असात वेदनीय कर्म का बंध हो सकता है। तो हमें असात वेदनीय बंध के कारणों से बचने का प्रयास करना चाहिए।